गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक एवरीबॉडी टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं जा रहा था रास्ते में एंड मुझे किसी ने बताया कि यार आपके बाइक के पीछे वाला टायर में उनको स्क्रू दिख रहा है। मैं रुक के वही चेक कर रहा था, देख सकते हो यहाँ पे दिस इज अ स्क्रू जो उसके अंदर पता नहीं कैसे आ गया। रोड तो बिल्कुल साफ सुथरी है, आप देख सकते हो दिस इज द ग्रेटर नोएडा नोएडा एक्सप्रेस वे। अभी मैं एग्जिट ही ले रहा था नोएडा से और मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। अब पता नहीं कहाँ से लगा, अब मैं इसको निकाल भी नहीं सकता, निकाल दिया तो हवा निकल जाएगी और फिर वापस देकर जाना मुश्किल हो जाएगा। तो रिस्क ले रहा हूं, इसको लगे लगे मिले इस रास्ते पे वैसे भी मुझे कहीं मिलेगा जो पंचर लगा सके। मेरी बाइक के साथ पहली बार ऐसा हो रहा है, नहीं लंबी राइड्स कर ली, इतनी बड़ी जर्नी कर ली बट तब भी कुछ नहीं हुआ एंड अभी ऐसा यहाँ पे स्क्रू लग गया एंड माय टायर गॉट फ्लैट, नॉट एग्जैक्टली फ्लैट, अभी भी है उसके अंदर वेट, चल जाएगा बट यार हुआ तो बहुत खराब ना। सो आप में से ही कई सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी जो लास्ट लॉन्ग ट्रिप थी वो कैसी रही, मुझे कितना माइलेज मिला, कितना मेरा पेट्रोल में एक्सपेंस चला गया, बिकॉज बाकी सब डिटेल तो मैंने राइड के टाइम शेयर करी थी ब्लॉग के अंदर लास्ट वाला, जो अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। बट जो बाकी के एक्सपीरियंसेस है वो मैं एक डेडिकेटेड फुल वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जिसके अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसी रही थी वो राइड एंड क्या एग्जैक्टली मेरे एक्सपेंसेस आए थे। वो वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना, उसके लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो फॉर ऑल नोटिफिकेशंस एंड आपको वो अपडेट्स टाइमली मिलते रहेंगे। हमारा नेशनल फ्लैग कितना मस्त लग रहा है ना, ऐसे सही हवा चल रही है, धूप हो रही है ऊपर, बट अच्छी हवा चल रही है, नाइस। खबरों में तो ये मैंने पढ़ा था कि दिल्ली और नोएडा के अंदर बहुत ही बढ़िया मौसम होने वाला है इस हफ्ते के अंदर एंड आंधी चलेगी। इसके कोई साइन दिख नहीं रहते बट अभी मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ और हल्के फुल्के ऐसे बादल आने लग रहे हैं और हवा चल रही है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बढ़िया मौसम, किसको नहीं अच्छा लगता। ओके गाइज, मैं यहाँ तक तो ले आया अपनी बाइक को बट अब मुझे हल्की सी ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा सी हैवी होने लग रहा है पीछे साइड से, हो सकता है कि थोड़ी सी हवा जो है वो बाहर निकल गई है, कम हो गई है। आई एम जस्ट वरीड कि इसके बाद भी मुझे इसको खिसका के ना लेकर जाना पड़े बिकॉज हैवी वेट है यार, 164 kg इसका कब वेट है इसका, आई डोंट वांट टू पुल दैट। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको ये छोटा सा अपडेटेड ब्लॉग पसंद आया होगा एंड अगर आपको इस टाइप की वीडियोस भी पसंद आई मेरे चैनल के ऊपर तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो, मैं कोशिश करूँ कि ऐसी वीडियोस और बनाने की एंड अगर इफ नहीं आई तब भी मुझे बता सकते हो तो फिर मैं ऐसी वीडियोस नहीं भी बनाऊंगा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो इस वीडियो को एंड शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ। तब तक लिए कीप राइडिंग, राइड सेफ एंड बाय।